हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेपाली बाबू 313 में। और आज अलविदा जुम्मा और इस माह रमज़ान मुबारक महीना का अब 2-3 दिन और बाकी रह गया है। सो मैंने सोचा था एक छोटा सा ब्लॉग करके आप लोगों को दिखाऊं और यहाँ का कुछ खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा हूँ और मस्जिद के बारे में कुछ बताऊँगा और यहाँ पर तामीरी काम भी हो रहा है। सो बने रहिए मेरे वीडियो में, कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चितवन का इलाका प्रहरी कार्यालय खैरनी के बाजू में है हमारे खूबसूरत मस्जिद। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में और दिखाता हूँ मस्जिद के अंदर का खूबसूरत नज़ारा। तो ऐसे 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 बाहर का वो हाफिज़ जी भी हमारे आ रहे हैं और ऐसे बाहर का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं हमारे नेपाली जामे मस्जिद खैरनी 6 पुरानों परसा में। और अभी तो 3 मंजिल हो चुका है, सो अभी अंदर ले चल के दिखाऊंगा। वैसे हमारे अंदर का नज़ारा जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका स्थापित 2024 साल नेपाली मिति के अनुसार से ईस्वी संवत में जो हुआ था और लोग आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे लोग वजू बना रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस मस्जिद में जो है बहुत यहाँ के अवाम ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी है और हमारे यहाँ खास करके सदर सेक्रेटरी खजानची जो हमारे मस्जिद का जो जिम्मेदारान है जो बहुत कुर्बानियाँ दिया है और काफ़ी काम भी तेज़ी से हो रहा है और अभी कुछ काम बाकी भी है। सो आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो बाथरूम वगैरह बन रहा है इसमें मार्बल लगेगा, आज काम जारी है। हमारे सदर साहब है मस्जिद के, जो इन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ दिया है मस्जिद में बहुत। देख रहे हैं भाई साहब कुर्ता वगैरह भी लाए बेचने के लिए और अक्सर जुमा का दिन है आज। रोशन ठीक है, हाल खबर? आसिम के चल तेरे खबर? देख रहे हैं पीछे ऐसे यहाँ पे कुर्ता उर्ता बेच रहे हैं पूरा, दोस्त लोग भी है। इधर भी जुमा अलविदा जुमा पढ़ने के लिए लोग आ चुके हैं और मस्जिद में जो है हमारे इमाम साहब बयान कर रहे हैं। तो ये काम क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बाकी है, इसमें हम सब जो है ये चार काम करके हमारे इमाम साहब बयान फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला से हम सब जन्नत के हकदार बन जाए, बना करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब इसके बाद में जो है हमें तीन चीज जो है हमें तीन चीज पर ज्यादा जो है हमें तवज्जो तीन चीज है जो है नीचे पहली मंजिल है। और आइए मैं दोस्तों ऊपर दिखाता हूँ। ऐसे है दूसरा, इसे ऊपर लेके चलता हूँ लास्ट में। जो ये अभी अभी तैयारी हुआ है इसमें बहुत यहाँ के अवाम यहाँ का जिम्मेदारान सदर सेक्रेटरी का बहुत जो है ना कुर्बानी है दोस्तों। तीसरी जो चीज़ है
और इस मस्जिद के ऊपर से जो है हमारे इस तरह का नज़ारा दिखता है, जो कि बहुत खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत है, जितना भी तारीफ करे तो कम है। लेकिन लग रहा है कि ऊपर जो है सब बच्चे लोग अक्सर ऊपर बैठा हुआ है। और भी कुछ काम जो है ऊपर मौलाना का रूम बनाना बाकी रह चुका है, तो जैसे कि दोस्तों मैं आखिर में वीडियो के अंतिम समय में आ चुका हूँ लगभग, तो दोस्तों आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर जहाँ जहाँ से भी मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो भाई दोस्तों अजी जो एकदम काफ़ी काम हो रहा है, इस तामीरी काम भी चल रहा है मस्जिद में, तो आप अगर इस मस्जिद के नाम पर कुछ इमदाद करना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारे मस्जिद का इमाम साहब का या सदर साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो है हमारे फेसबुक का लिंक दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप का नंबर भी है, उसके ज़रिए से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भाई चाहे, अगर अल्लाह का बंदा कोई है इमदाद करने के लिए इस मस्जिद में, तो संपर्क करें हमसे। लेकिन हम क्या एयर कंडीशन में रहते हैं, हमारा बंगला आलीशान हमारा घर है, लेकिन अगर किसी का 500 रुपया है हम दे नहीं पाते हैं, उसमें आग निकाल मजूर करते हैं, तो मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों उनको सहाबी की रिवायत आज सुने, हजरत गैर और हजरत साहिब ये दोनों सहाबी है, दोनों ने आपस में Did anybody out there hear?